दोस्तों आप सभी का मैथ भाई सारसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोज। इसके अंदर हम आपको एसटेट पीआरटी लेवल 1 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। वो सेम उसी के टाइप के और भी क्वेश्चन करवाएंगे जो 2019 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से देखना दोस्तों। इससे पहले हमारा एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसको भी आप जाकर जरूर देखें हमारे चैनल पर। और इसका उसी का सेकंड पार्ट है वो अभी हम अपलोड करने अभी आपके सामने लेके आए हैं, तो इसे ध्यान से देखें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें। तो देखते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे आओ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस सेशन का वो ये है, हरित था श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है। हरित था श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है। दोस्तों एक चीज ध्यान से देखने वाली बात है, जो पहले किसका नाम है यहाँ पर हरि का और बाद में किसका श्याम का, तो यहां जो पहले अनुपात होगा वो पहले होगा हरि का और दूसरा किसका होगा श्याम का। ये चीज हमें ध्यान से नोट करनी है कि जो पहला अनुपात पहले नाम वाले का होता है, दूसरा अनुपात दूसरे नाम वाले का होता है। ये चीज अगर आप दिमाग में पहले ही सेट कर लोगे तो मैं कहता हूं आप 10 सेकंड से पहले पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर जाओगे। तो सबसे पहले ध्यान देखो, हरि का अनुपात कितना है 5 और श्याम का अनुपात कितना है 7। तो हमें सीधा आप लास्ट में आ जाओ, किसकी आयु निकालनी है हरि की, किसकी निकालनी है हरि की। तो हरि का अनुपात कितना था 5। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, जो अनुपात होता है उससे पूरा पूरा भाग होता है, यानी इनमें से हमें हरि की आयु निकालनी है। तो हरि की आयु चार ऑप्शन में से कोई एक तो है ही, ये तो कन्फर्म है। और जो हरि की आयु वही होगी जो उसके अनुपात से भाग होगी, यानी अनुपात क्या आता है दोस्तों, भाग देने के बाद आता है, काटने के बाद आता है। यानी जो भी हरि की आयु होगी उसमें 5 का भाग होगा, किसका होगा 5 का भाग। तो सबसे पहला पॉइंट ये दोस्तों, हरि की आयु बतानी है, हरि का अनुपात कितना है 5, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन 5 से भाग हो रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन 5 से भाग हो रहा है, ये चीज हमें ध्यान से देखनी है। इनमें से 20 5 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 28 5 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं आ सकता। 30 5 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 33 5 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 33 नहीं आएगा। तो हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन बचे दोस्तों, एक तो 20 और एक 30। इन दो में से हमारा एक आंसर होगा। दोबारा देखो, हरि का अनुपात था 5 और हरि की आयु वही होगी जो 5 से पूरा पूरा भाग होगी, तो 20 पूरा पूरा भाग होती है और 30 पूरा पूरा भाग होती है, और कोई भी इनमें से 28 पूरा भाग नहीं होती और 33 पूरा पूरा भाग नहीं होती, तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:7 होगा, यानी 4 साल बाद हरि है वो 3 से भाग होगा, अनुपात 3 और 3 से भाग होगा। कितने साल बाद है, 4 साल बाद। तो इसमें 4 प्लस करो कितना आंसर आ गया 24, और एक इसमें 4 प्लस करो कितना आंसर आ गया 34, यानी 4 साल बाद हो जाएगा 24 का, इधर ऑप्शन से हो जाएगा 4 साल बाद हो 34 का, और 4 साल बाद हो देखो 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात क्या होगा 3:4, यानी हरि पहले, तो पहले अनुपात कितना हरि का 3, यानी 4 साल बाद हो 3 से भाग होना चाहिए। क्या ये 3 से भाग हो रहा है, 3 8 24 बिल्कुल हो रहा है, क्या ये 3 से भाग हो रहा है, ये 3 से भाग नहीं हो रहा, तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ये आ गया 20। बस इतना ही करना था आपको और कुछ नहीं करना, क्लियर है। तो ऑप्शन की मदद से आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो विद इन 10 सेकंड से पहले पहले। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, हरि का अनुपात 5 है तो श्याम का अनुपात 7 है, तो हरि की हमें वर्तमान आयु बतानी थी, हरि होगा 5 से भाग, तो 5 से भाग ऑप्शन था 20 और 30, 28 और 33 नहीं हो रहे, दोनों हट जाएंगे ऑप्शन हमारे पास। अब कहता 4 साल बाद, इसमें 4 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ दो, ये 4 साल बाद 24 का हो जाएगा, 4 साल बाद 34 का हो जाएगा, ये 4 साल बाद 24 का हो जाएगा और ये 34 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, अब 4 साल बाद किससे भाग होना चाहिए, वो 3 से भाग होना चाहिए, 3 से भाग हो रहा 24 बिल्कुल हो रहा, 3 से भाग 34 हो रहा नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बच गया हमारे पास है 24, ये हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो इसमें जो क्वेश्चन है, 15 भुजाओं की नियमित बहुभुज, 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करो। तो दोस्तों ये 8वीं क्लास के मैथ का क्वेश्चन है और इसमें एक सिंपल सा बिल्कुल सिंपली लॉजिक लगता है कि बहुभुज क्या होता है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं हमें बहुभुज, और नियमित क्या होता है रेगुलर, यानी इसमें सभी भुजाएं इक्वल होंगी, सारी भुजाएं क्या होंगी इक्वल होंगी। अगर दोस्तों सारी भुजाएं इक्वल होगी तो सारे कोण भी बराबर होंगे हमारे पास, फिर ये चीज ध्यान से देखने हमें
जो यानी सम यानी बहु समभुज बोलते हैं इसको, नियमित को, यानी सारी भुजा बराबर है, 15 ही 15 भुजाएं बराबर हैं, तो 15 ही 15 कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, भी कोई भी बहुभुज हो उसका जो हमें निकालना क्या है, प्रत्येक अंतः कोण निकालना, क्या निकालना, प्रत्येक अंतः कोण निकालना है। अब सिंपल सी बात है, आप एक काम करो, कोई भी बहुभुज होता है उसके बाह्य जो कोण होते हैं ना, सभी बाह्य कोण, क्या सभी बाह्य कोणों का जोड़, बाह्य कोणों का जोड़ है वो होता है 360 बटे में, सॉरी, सभी बाह्य कोणों का जोड़ होगा 360, क्या होगा 360 डिग्री, यानी चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कितनी भी भुजा हो, उनमें सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। सपोज करो हमारे पास एक बहुभुज ये भी है, क्या वर्ग, कितना है वर्ग है, इसमें यहाँ कोण कितने बना है 90 डिग्री का, यहाँ भी कितने बना है 90 डिग्री का, और यहाँ इधर भी कोण कितने 90 का, इधर भी, यानी बाह्य कोण की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, बाह्य कोण, तो 9 × 18, 9 × 9 = 36, सभी का जोड़ कितना आ गया 360, यानी कोई भी बहुभुज हो उसमें सभी का जो जोड़ है वो क्या होगा 360 होगा, कितना होगा 360। और हमें 15, अगर भुजा 15 है तो कोण भी 15 ही बनेंगे, तो इस 360 को 15 कोणों में बांट दो, एक कोण आ जाएगा, यानी यहां आ जाएगा बाह्य कोण, क्या आ जाएगा बाह्य कोण, क्या आ जाएगा दोस्तों, एक बाह्य कोण आ जाएगा 360 बटे में 15, 360 बटे में 15, तो 15 से इसको काट दो, 15 × 30 कितने बच गए 6, और 15 × 60, यानी एक कोण आ गया हमारे पास कितने का 24 डिग्री का, एक कोण कितने डिग्री का आ चुका है 24 डिग्री का। अब दोस्तों एक चीज सोचने की बात है, जो बाह्य कोण होता है वो कुछ इस प्रकार, मान लो ये बहुभुज था वो इस प्रकार से बना हुआ, ये एक भुजा रही और ये इधर बन गया वो बाह्य कोण, क्या बन गया होगा बाह्य कोण, तो ये बाह्य कोण कितने का आ गया 24 का, और हमें अंतः कोण बताना है, क्या बताना है हमें अंतः कोण यानी अंदर कोण बताना है, ये तो बाहर का कितना आ गया 24 डिग्री, और अंदर का बताना एक सीधी रेखा पे ना, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री कोण बनता है, लीनियर पे 180 डिग्री का बनता है, कितने बनता है, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, यानी पूरा 180 का है, उसमें से ये 24 का इधर वाला बता दो बस, यानी अभी आपको कुछ नहीं करना, 180 में से घटाना है कितना 24 घटाना है, क्या घटाना है 24, तो यहाँ 10 में से 4 गए 6, 7 में से 2 गए 5, आगे 1 आएगा, यानी आंसर आ गया दोस्तों 156, कितना आ गया 156, ये आपका आंसर था। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई भी बहुभुज जो सभी बाह्य कोणों का जोड़ होता है 360, अगर 15 भुजाएं हैं तो कोण बनेंगे 15 बाह्य कोण, अगर यहां पर 12 भुजा होती तो 12 बाह्य कोण बनते उसके, तो हमें एक बाह्य कोण निकालना था, 360 को 15 से भाग कर लिया, एक बाह्य कोण आ गया 24 का। अब ये 12 वाला कोण 24 का हमें बताना क्या था, अंदर वाला कोण, तो एक एक सीधी रेखा पे 180 का बनता है, 180 से घटा दो 24, कितना बच गया 56 बच गया, 156, बस ये दोस्तों आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक गनाब की नाप है वो 64 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, यानी घनाभ क्या होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये होगी ऊंचाई होगी, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे कण दिए गए घनाभ में रखे जा सकते हैं, यानी इस ऊपर वाले घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे कण रखे जा सकते हैं, तो दोस्तों इसके आयतन में और इसके आयतन से भाग देना बस, और कुछ नहीं करना, यानी ऊपर वाले घनाभ का आयतन बटे में एक घन का आयतन, तो हमारे पास घनों की संख्या आ जाएगी, किसकी आ जाएगी घनों की, क्या आ जाएगी हमारे पास घनों की संख्या आ जाएगी, तो आप कर दो इसको बस, कैसे सोल्व करोगे ध्यान से देखना एक बार, मैं सीधे ट्रिक बताते हैं दोस्तों, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है एग्जाम में तो आपको ये चीज देखनी, पहले ये सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, तो आपको कोई कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना, अगर ये मीटर होता और ये सेंटीमीटर होता फिर इसके भी क्या बनाने पड़ते सेंटीमीटर बनाने पड़ते, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में है, तो काम बिल्कुल आसान है, तो आपको ये करना है कि जो घन होता घनाभ होता है उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी घनाभ है हमारे पास, घनाभ जो है उसका जो आयतन है वो क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यानी LBH इसका आयतन होता है, और जो घन होता है उसका जो आयतन होता है वो भुजा होती है, इसमें सारी इक्वल होती हैं, तो भुजा की 3, क्या होता है घन का आयतन है भुजा की पावर 3, तो बस इतना ही था दोस्तों, आपको इसके आयतन को इसके आयतन से भाग करना है, तो ये आप सीधा भी कर सकते हो, आपको अलग से करनी जरूरी नहीं है, यहां पर घनों की संख्या आ जाएगी
गणों की संख्या आ जाएगी, यानी ऊपर वाले तीनों की गुणा कर दो आप, ये जो ऊपर है इन तीनों की गुणा बटे में इसको तीन बार लिख दो, यही इसका आंसर है बस। तो ऊपर वाले तीन क्या क्या हमारे पास है, 64 मल्टीप्लाई 54 और मल्टीप्लाई 30। ये ऊपर वाली मैंने तीनों मापों की मल्टीप्लाई कर दी, ध्यान से देखो आप, 64 की, 54 की और 30 की गुणा लिख दी, बटे में एक घन आ गया। अगर सपोज ये भी घन होता तो मैं दोस्तों ये कहता हूँ कि इसकी भी तीनों ही गुणा नीचे लिख देते बस। यहाँ पर है क्या, एक घन, तो घन की तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो 6 की लंबाई 6, चौड़ाई 6 क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो आपको तीन बार लिखना है इसको, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी घन का आयतन भुजा की तीन, तो तीन बार लिख दी भुजा। अब इसको काट दो, 6 एकम 6, 6 नीम 54, 6 एकम 6, 6 पांच 30, अब कट जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से काट दो 32 दूनी 64। अब गुणा कर दो इसकी, 32 तिये 96, कितना आ गया 96, इस 32 की 3 से गुणा 96, 96 की 5 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 5 के 30 और 5 ने 45 और 3 48, 480 घन रखे जा सकते हैं, कितने रखे जा सकते हैं 480। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, इसका आंसर है 480 बी। एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों इसी को मैं, यानी ऊपर वाले तीनों की गुणा करनी है, बटे में नीचे वाला घन है तो उसको तीन बार लिख दो, बटे में लिखे उसको काट दो, आंसर आ जाएगा बस, ये इसमें करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है। नुकसान मतलब दोस्तों हानि होती है, क्या होती है, हानि, यानी किसी वस्तु को 110 में बेचा जाता है तो उसको 12% की क्या होती है, हानि होती है। तो 8% का लाभ कमाने हेतु व्यक्ति को वह वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे कि भाई 110 रुपये में हमें बेचनी है, कितनी बेचनी है 110 में, वस्तु कितने बेचनी है हमें 110 में बेचनी है, 12% की, सॉरी 110 में बेची है तो 12% का लॉस हो गया, तो हमें उसको कितने बेचें कि हमें 8% का लाभ हो। तो दोस्तों मैं इसकी एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ, एक ही लाइन में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अगर एग्जाम में दोबारा ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं कहता हूँ आप इसी ट्रिक से करना इसको एक, लेकिन समझो दोस्तों है क्या ये कि वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य ही निकालना हमें। ध्यान से देखो, वस्तु का बेचना क्या था, विक्रय मूल्य, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है और हमें विक्रय मूल्य ही निकालना है, कितने में बेचे, कितने में बेचे, बेचे मतलब विक्रय मूल्य, और यहां भी क्या देखा है, विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य ही निकालना हो, जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य बराबर है, ध्यान से देखना दोस्तों, नोट कर लेना इस ट्रिक को, विक्रय मूल्य बराबर है कब, जब विक्रय मूल्य दे रखे और विक्रय मूल्य ही निकालना हो। तो हमारा जो ट्रिक है एक लाइन में सुलझ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य बटे पहला केस, विक्रय मूल्य बटे में पहला केस गुणा में दूसरा केस, गुणा में दूसरा केस, ध्यान देना दोस्तों, जब विक्रय मूल्य दे रखे और विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटे में पहला केस गुणा में दूसरा केस। अब मैं आपको एक बार केस बताता हूँ, ये क्या है, पहला केस क्या है, दूसरा केस है, पहला केस पहली बार भी की वो और दूसरा केस है दूसरी बार जो बेचना चाहता वो। तो बार 110 में बेची इसको पहली बार, तो कितने का लॉस हुआ, 12 का लॉस। अगर लॉस है तो यानी हानि है, नुकसान है, तो क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, और लाभ है तो 100 में जोड़ के बिकेगा, ये चीज होती है दोस्तों। अगर यहां पर 10% का लॉस होता तो पहला केस बनता 90%, अगर यहां पर 20 का लॉस होता तो केस बनता 80, अगर यहां पर 15 का लॉस होता तो केस बनता कितना, 85, यानी 100 में से हानि को घटाएंगे। अगर यहां पर 10% का लाभ लेने के लिए बेचता तो केस बनता 110, यानी लाभ को 100 में जोड़ देंगे और हानि को 100 में से घटा देंगे बस। तो अब ध्यान से देखना दोस्तों यहां पर, कि 110 रुपए में बेच दिया उसने पहले, तो विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास, ये रहा 110, बटे में पहला केस, पहले केस में 12% का नुकसान है तो 100 में से 12 घटा दो कितना बच गया, 88, कितना बच गया, 88। तो विक्रय मूल्य बटे पहला केस आ गया गुणा में दूसरा केस। अब दूसरी बार कितना लाभ ले रहा हो, 8 का लाभ ले रहा है, तो यहां पर 8 का लाभ लेगा तो केस मिट जाएगा 108, 100 में लाभ जोड़ दो दोस्तों। अब इसको काट दो बस, और कुछ नहीं करना, 11 से कट जाएगा ये, 11 दावा 110 और 11 8 88, 11 दावा 110 और 11 8 88। अब फिर काट दो, 8 से कट जाएगा और 2 से काट छोटा कर दो, 2 चौके 8, 2 पांच 10, फिर 4 से काट दो, 4 दूनी 8,
बच के दो, 4 7 28, 27 5 135, ये आज का आंसर दोस्तों 135 रुपए के आज का इसका आंसर। दोबारा देख लो, विक्रय मूल्य बटे पहला केस गुणा में दूसरा केस, इस प्रश्न की ट्रिक यही है, ध्यान से नोट कर लेना इसको, एग्जाम में आ सकता है आपकी बार भी। ये पिछला स्टेट 2017 का था, उसी का क्वेश्चन है दोस्तों, सारी मैंने वहां से लिए हैं। तो कैसे करेंगे इसको, जब विक्रय मूल्य दे रखा हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य बटे पहला केस गुणा में दूसरा केस, अगर आनी है तो 100 में घट जाएगा, लाभ 100 में जुड़ जाएगा बस। तो विक्रय मूल्य था कितना पहली बार 110, ये लिख दे 110 बटे में पहला केस 12 का लॉस है तो कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दो 88 आ जाएगा, दूसरे में 8 लाभ है तो 108 कर दो, गुणा में काट दो 11 8 88, 11 10 10, 2 4 8 2 5 10, 4 से कट जाएगा 27 88, 27 5 135 रुपये। तो दोस्तों इसका आंसर आ चुका 135 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ए की आय है बी से 25% अधिक है, तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, यानी बी की सी से 20 अधिक है और ए की बी से 25 अधिक है, तो बताना आपको ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ए की आय सी से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी, हमने लिख लिया यहाँ पर, अब लास्ट लग जाओ, नहीं लास्ट में सी की देखो क्या है, बी की आय सी से, बी की आय सी की कितनी है 20% अधिक है, तो आप पहले बी को सी को मान लो, क्या मान लो सी को, आप 100 मान लो, क्या मान लिया हमने सी को 100, ठीक है, कि C से B की अधिक थी ना, B की आय C से 20% अधिक है, तो आपने C को 100 मान लिया तो B हो जाएगा 20 अधिक करके देखो 120, अगर C 100 था और C से 20 अधिक है कौन B, तो अगर C 100 है तो B कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब A की आय B से 25 अधिक है, 25% यानी इसका 25% मतलब चौथा हिस्सा होता है, 120 का 25% निकाल के देखो 25/100, 120 का यानी ए है वो 20 से कितना 25 अधिक है, तो आप बी यानी कितना है 120, 120 से 25 अधिक करके देखो, तो 120 गुणा में 25/100 काट दो, 25 25 25 100, 4 से 4 3 12 3 30 अधिक है, कितना अधिक है 30, और 25% दोस्तों होता है चौथा हिस्सा, इसको 4 से भाग कर लो, 30 चौका 120, सीधा 30 अधिक कर दो, यानी 120 से 30 अधिक कितना आ जाएगा 150, यानी 120 का 25% निकालोगे तो 30 आएगा, 30 अधिक कर दो 120 से, तो 120 में 30 अधिक करें कितना आ जाएगा 120 और 30 से 150, यानी ए हमारे पास 150 आ गया, बी कितना आ गया 120 आ गया, और सी कितना हो गया हमारे पास 100 हो गया। अब बताना क्या है, ए की आय सी की आय से कितना अधिक है, तो ए कितना अधिक दिख रहा है आपको सी से 50, देखो अगर एक सी के पास 100 है तो ए के पास कितने 150, तो कितने अधिक हो गए 50, तो 50 अधिक है, यहाँ प्रश्न निकाल दो किससे अधिक बताना में सी से, तो जिसको बोले वो नीचे आ जाएगा, यानी सी से सी कितना है 100 और अधिक कितना ये 50, तो 50 ऊपर दो परसेंट जी गुणा 100 कर दो, 100 कटे कितना आंसर आ गया दोस्तों 50% क्या है अधिक है, कितना अधिक है 50% अधिक है, ये दोस्तों इसका आंसर था। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, दो बेलन हमारे पास उनकी त्रिज्या रेडियस है, उनका जो रेशियो है वो 2:3 है, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो हाइट है उनकी, उनका जो रेशियो है वो 5:3 है, यानी 5:3 है, इन बेलनों के आयतन का अनुपात कितना है, जो बेलन है इनके आयतन का अनुपात निकालना दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर बेलन के बारे में कुछ बेसिक बात बताता हूँ, बेलन कुछ इस शेप का होता है, पाइप देखा होगा आपने, इस प्रकार का क्या होता है बेलन होता है, बेलन की ये तो होती है दोस्तों ऊंचाई, यानी इसको बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं हाइट, और ये होती है यहाँ पर जो सर्कल बना नीचे, इस सर्कल में जो ये त्रिज्या है इसको बोलते हैं इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, एक ऊपर भी होती है सेम होती है दोनों त्रिज्या, तो ये तो क्या होगी त्रिज्या होगी हमारे पास, ये क्या होगी ऊंचाई होगी। अगर बात करें हम आपका कहते हैं इसका आयतन, तो जो आयतन होता है बेलन का, जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, थोड़ा दोस्तों याद रखना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं ये कहता हूँ यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको याद रखने की, बस ये ट्रिक से सोल्व होगा कि आयतन हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेस समझने के लिए काम आता है, ये एच होगी ये आर होगी, दो हमारे पास क्या है बेलन है, तो अनुपात बताना, अनुपात मतलब क्या होता है भाग करना, क्या करना आपको भाग करना है, तो अगर ध्यान से देखोगे ध्यान से देखेंगे तो दोनों के आयतन का क्या बताना हमें अनुपात बताना है, तो मैं एक अनुपात मतलब भाग, तो आप यहां लिख लो पाई का पाई रख दो,
पहले मेथी, पहले की आर क्या है ये री, दूसरे की आर ये री, पहले की एच ये री, दूसरे की एच ये री, आप वैल्यू रख दो बस। तो पहले की पाई हो गया, फिर पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितनी है दो, तो दो को दो बार लिख दिया। और एच, एच कितनी है पहले की, ये री पांच, ये पांच लिख दिया। अपोन में अब दूसरा ले लो, दूसरा भी क्या होगा, दूसरे का आयतन ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा भी क्या लिया पाई, और दूसरे की आर कितनी ये री तीन, तो आप तीन गुणा तीन करो, तीन गुणा तीन क्यों, क्योंकि आर का स्क्वेयर है, ध्यान से देखो क्या आर का स्क्वेयर है। अब गुणा में पाई आर स्क्वेयर हो गया, अब एच, एच कितनी है दूसरे की तीन है, यहां पर तीन दर दो, अब इसको काट दो, पाई से पाई कट गया और कुछ कट नहीं रहा, कर दो इसकी चार, दो दूनी चार, चार पांच बीस, और तीन तीन नौती है सत्ताईस, तो बीस बटा सत्ताईस क्या गया इसका आंसर आ चुका दोस्तों, क्या आ चुका बीस बटा सत्ताईस, ये रहा आपका आंसर बीस बटा सत्ताईस। अब मैं आपको देता हूँ, अगर एग्जाम में दोबारा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक काम करना है और कुछ भी नहीं करना, कोई फार्मूला जुड़नी पड़ी थी पड़ेगी आपको, ये तो हमारे पास यहाँ लिख लो आर, क्या लिख लो आर, ये भी आर और ये भी आर, इसके ऊपर लिख लो एच और इसके ऊपर लिख लो एच, ठीक है। तो आयतन में आपसे ये करना है, आपको इसका स्क्वेयर करके इसे गुणा कर दो, इसके स्क्वेयर को इससे गुणा कर दो, दो दूनी चार, चार पाँच बीस लिख लो अनुपात, इसका स्क्वेयर करो आर का स्क्वेयर, तीन तीय नौ और नौ तीय सत्ताईस, सीधा आंसर आएगा दोस्तों बीस अनुपात सत्ताईस, क्लियर है। एक बार दोबारा बताता हूँ ट्रिक, ध्यान से देखना, अगर इसी प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन आता है तो आयतनों का अनुपात निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो त्रिज्या का अनुपात था, त्रिज्या क्या थी दो अनुपात तीन और ऊंचाई क्या थी पांच अनुपात तीन, तो सीधा आंसर निकालने क्या करना आपको, जो त्रिज्या है इसका स्क्वेयर करो, दो का स्क्वेयर चार और ऊंचाई से गुणा कर दो, दो दूनी चार, चार पांच बीस, यानी यह आ गया अगला अनुपात, पिछला क्या जाएगा, इस फिर त्रिज्या का स्वयं करो, तीन तीय नौ और नौ तीय सत्ताईस, सीधा उत्तर आ जाएगा दोस्तों, अब कुछ नहीं करना बस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सात है जो इस सेशन का, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो तीन अनुपात पांच है, कितना है तीन अनुपात पांच है, यदि प्रत्येक संख्या में नौ घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से नौ घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 12 अनुपात 23 हो जाता है, कितना हो जाता है 12 अनुपात 23 हो जाता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कट बताता हूं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, नहीं इस टाइप का पहले आ चुका है, तो हमें बतानी कौन सी है दूसरी संख्या, कौन सी बतानी है दूसरी संख्या, तो अब आप दूसरा अनुपात देखो कितना, दूसरा अनुपात है कितना है पांच, कितना अनुपात है दूसरा पांच, आप इसे फोकस करो, पहले भी हमने किया था ये कि भी अगर हमें पहले वाले की आयु बतानी है तो पहले वाले का अनुपात देखेंगे, दूसरे के बारे में बताना है तो दूसरे का अनुपात देखेंगे, तो हमें दूसरी संख्या बतानी थी यहाँ पर, तो हम दूसरा अनुपात देखेंगे दोस्तों, तो दूसरा अनुपात कितना है पांच, और दूसरी संख्या बतानी है तो जो दूसरी संख्या होगी दूसरे अनुपात से पूरी पूरी भाग होगी, तो इनमें से ऑप्शन में से चेक करो कि पांच से कौन सी संख्या पूरी पूरी भाग होती है, पांच से बावन भाग होती है, नहीं होती, क्योंकि पीछे पांच से भाग होने के लिए जीरो या पांच होना चाहिए, पांच से त्रेपन भाग होती है, नहीं होती, क्योंकि पीछे पांच से भाग होने के लिए जीरो या पांच होना चाहिए, पांच से चौवन भाग होती है, नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता, पांच से पिचपन भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो हमारा आंसर है दोस्तों एक ही ऑप्शन था और सेकंड में आंसर सोल्व हो चुका, देखो ध्यान से, कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं दोस्त, सिंपल सा देखने से पता चला है कि मैं आपको बार बार कहता हूँ दोस्तों, देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मेरे पास एक संख्या है पैंतालीस और एक है साठ, एक क्या है साठ, मेरे को इसका अनुपात बताना है, तो कैसे करेंगे, काटो इसको पंद्रह तीय पैंतालीस, पंद्रह चौके साठ, यानी जो ऊपर वाली संख्या थी मेरे पास पैंतालीस और साठ है, पैंतालीस तो भाग होगी तीन से, साठ भाग होगी चार से, रूल होता है ये पक्का होता है, जिसका अनुपात संख्या ऊपर ऊपर भाग करेगा और इसका अनुपात इस संख्या ऊपर ऊपर भाग करेगा, तो इसी प्रकार दूसरी संख्या है वो पांच से पूरी पूरी भाग होगी, क्योंकि दूसरी संख्या का अनुपात कितना है पांच, तो पांच से ये भाग नहीं हो रहा था, पांच से ये भाग नहीं हो रहा था, पांच से चौवन भी भाग नहीं हो रहा, तो पांच से केवल एक ही भाग हो रहा था, पिछवन ये हमारा आंसर है। सपोज करो दोस्तों इसमें दो संख्याएं पांच से भाग होने वाली आ जाए तो कैसे करते, एक और मान लेते हैं यहां पर, मान लो सपोज करो पचास, एक क्या ले लिया हमने पचास, फिर कैसे सोल्व करेंगे, ये भी पांच से भाग होती है, फिर आप अगला स्टेप उठाओ, यदि प्रत्येक संख्या में से नौ घटाओ तो पचास में से आप नौ घटाओ तो कितना बच गया इकतालीस, और पिचपन में से नौ घटाओ तो कितना बच गया पिचपन में से नौ गए तो छियालीस, ठीक है। अब कहता है नौ घटाया जाए तो वह संख्या 12 और 23 से भागोगी, अनुपात मतलब भागोगी, तो दूसरी संख्या बतानी, दूसरी किससे भाग होनी चाहिए 23 से, क्या 41 23 से भाग होता है, नहीं होता,
क्या 46 23 से भाग होता है, 23 दूनी 46 बिल्कुल होता दोस्तों, दो ऑप्शन हमारा क्लियर कट यही होगा। आ गया सब क्वेश्चन से, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मान के आप कीजिए 4 √81, 3 √216, 5 √32। तो ये चीज़ क्या थी दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम स्टेट के अंदर आया हुआ था, PRT के अंदर, और अगली बार भी संभावना है ऐसे क्वेश्चन आने की। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं दोस्तों, मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप 81 के फैक्टर करो यानी टुकड़े करो कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा 3 से 27 81, फिर हो जाएगा 3 से 9 27, फिर हो जाएगा 3 3 9, फिर आप क्या करोगे 216 के टुकड़े कर लो, 2 से जाएगा 2 1 2 0 2 8 16, फिर 2 से कर लो इसको 2 5 10 2 4 8, फिर 2 से कर लो 27 2 54, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, एक और बच गया 32, इसके टुकड़े बना लो, 2 से जाएगा 16 2 32, 2 से 8 2 16, 2 4 8, 2 2 4। अब दोस्तों आपके करना है यहाँ पर 81 आगे 4 था, तो 4 में से एक बार निकलना है यानी 4 के जोड़े में से एक बार, तो 1 2 3 4 जोड़े जो पेयर होता है इसमें सारी संख्या सेम होनी चाहिए, तो यानी 4 में से एक बार निकलना है, तो 1 2 3 4 ये 4 ही बने, 4 में से एक यानी किसके पेयर है 3 दिन के, इसमें से एक बार निकाल लो, बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस, तो आप यहाँ पर प्लस लगा दो। अब इस 216 216 क्या है 3, यानी 3 के जोड़े में से एक बार निकलना है, एक 3 का पेयर ये बन गया और एक 3 का पेयर ये बन गया, तीनों सेम है इसमें, दो दो इसमें भी 3 3 है, तो इसमें से एक बार 3 में से एक बार निकाल लो, ये हमने एक बार निकाल ली, एक इसमें से बाहर निकाल ली कितनी 3, यहाँ कितना आ गया, ये भी देखो दोस्तों ज्यादा संख्या के बीच में गुणा लगाएंगे, क्या लगाएंगे गुणा लगाएंगे, या सीधा कर लो 3 2 6, डाउट रहेगा बाद में, 1 2 इसमें से गया 3 इसमें, 3 2 6, यहाँ पर क्या आ गया 6 आ चुका है, प्लस इसमें 5 में से एक बार निकालना है, तो 5 बनाओ 1 2 3 4 5, सारी सेम है, 5 में से एक बार आ गया 2 बार आ गया, अब से प्लस कर दो 6 और 3 9 9 और 2 11, ये था दोस्तों इस उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बस ऐसा। अब मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट कैसे करेंगे, 81 √2 किसका होता है 9 का, किसका होता है 9 का, और 9 को 9 किसका होता है 3 का, तो 3 का पेयर बनेगा किससे बनेगा 3 का, तो आप यहां पर 3 लिख लो। अब 216 होता है वो 6 की घात 3 होता है, 6 6 36 36 6 216, तो आप सीधा 6 लिख लो, यहां पर क्या लिख लो 6, 32 2 की घात 5 होती है, तो आप 2 लिख लो, 6 3 9 2 11, आप सीधा भी यहां पर लिख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आज के इस सेशन का, और ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, दिखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन इतना लेंथी नहीं है दोस्तों, आप इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका एक नंबर ये कंफर्म है। तो कुछ बेसिक बातें बताऊंगा पहले इसकी, जो पावर होती हैं मान लो सपोज करो हमारे पास एक्स की पावर 10 है और यहाँ पर गुणा है, एक्स की पावर 5 है, तो गुणा के अंदर यदि पावर अलग अलग है और बेस सेम है, गुणा में यदि बेस सेम है पावर अलग अलग है तो गुणा के अंदर पावर जुड़ जाएंगी, गुणा के अंदर पावर जुड़ जाएंगी, 10 और 5 15 हो जाएगी, अगर ये दोस्तों इस प्रकार से होता है यहाँ पर भाग होता, क्या होता भाग, यानी बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो भाग के अंदर पावर दोस्तों घट जाएंगी, 10 में से 5 गया 5, क्लियर है, ये चीज थोड़ी ध्यान रखना आप लोगों को। दूसरा अगर मैं कहता हूं भी 3/4 की पावर -2, तो पावर माइनस दो इसको प्लस करने के लिए इसको पलट दो, यानी इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कर दो, 3/4 है तो क्या कर दो 4/3 कर दो, पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ये कुछ दोस्तों बेसिक बातें थी, इनको आप ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले भाग है, क्या है हमारे पास है भाग है, तो भाग में पावर क्या होंगी घटेंगी, भाग में पावर क्या होंगी घटेंगी, आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो बेस सेम है तो 3 की पावर -7 इसमें से घटा दो, क्या घटाओगे माइनस का 10 घटाना दोस्तों, क्या घटाना है माइनस का 10, क्लियर है, फिर बार क्या है इसमें गुणा में है 3 की पावर -5, बटे में एक इंसान होता है दोस्तों भाग का, इसको सोल्व कर लो। और एक होता है पावर की पावर हमेशा क्या होती है गुणा होती है, पावर की पावर क्या होगी गुणा, 2 की पावर 2 2 2 4 -4 कितना गया -4, यानी -2/3 इसकी पावर -4। अब ऊपर वाले सोल्व कर लें दो, एक बार दोबारा देखो दोस्तों, ये भाग था, भाग में मैंने बताया था भाग में पावर क्या होगी घटेगी, तो माइनस बेसे में तो यानी -7 में से घटा दो, क्या घटा दो ये दो संख्या, ये घटा दो, ये माइनस का 10 घटा दिया,
ठीक है। अब देखो ध्यान से, आगे वाला क्या था, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, ठीक है, यानी 3 की पावर -5। अब फिर देखो दोनों मल्टीप्लाई है यहां पर और बेस सेम है, तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होती है, ऐड होती है। पहले एक बार दोस्तों को सोल्व कर लो अच्छे से, यानी 3 की पावर यानी कि -7 और -7 क्या हो जाएगा, +10 कितना हो जाएगा, -7 + 10 हो जाएगा। और अगले वाला हमारे पास क्या है, 3 की पावर -5 है। फिर एक बार सोल्व कर लो इसको, 10 में से 7 गए 3 यानी 3 की पावर कितनी बच गई, +3 और गुणा में 3 की पावर कितनी जाए, -5। फिर देखो दोस्तों बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो यहाँ पर ऐड कर दो 3 की पावर 3 + -5। ये दोस्तों आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 5 में से 3 गए तो -2 कितने आ जाएंगे, -2 बच जाएंगे, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे था दोस्तों इसका रेसिप्रोकल, कर क्या कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल मतलब माइनस की पावर प्लस करने के लिए, ये हो जाएगा 3 / 3/2 और मागे या इसका माइनस लगा तो आप, ये हो गया पावर प्लस में, ठीक है। अब इसको आप चेंज कर दो, तो ये जो दो ध्यान से देखना, 3 की पावर -2 थी, इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हो प्लस करने के लिए, ये हो जाएगा 1/3 और 1/3, ठीक है, प्लस होगी पावर, भी दो बार लिखना था हमें, या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि भी 1/3 की पावर + 2, मैंने इसको दो बार खोल के लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है किससे, इससे करना है, यानी 4 बार लिखना आपको, तो इसको डिवाइड में करोगे तो ये रेसिप्रोकल पलट जाएगा ऊपर जाके, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3, तो दोस्तों ध्यान से देखना, अब इसके अपॉन में ये था तो इसको आप डिवाइड करोगे तो इसके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/4 क्या हो जाएगा, 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 कितने बार लिखना है, 4 बार लिख दो, -2/3 -2/3 और -2/3, तो ऊपर वाले -+ फिर -, ये +++ गुणा प्लस हो जाएगी, 2 × 4 = 8 × 8 = 16, ऊपर आ गया दोस्तों 16 आ चुका, नीचे 243 और 243 दोस्तों आज का हमारा आंसर 16/729, ये दोस्तों इसका क्या था आंसर था। तो थोड़ा लेंथी हो गया दोस्तों, क्योंकि थोड़ा प्रत्येक स्टेप को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा है, बाकी आप सीधा कर सकते हो कि आप यहाँ सीधा कर लो, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको माइनस करना था 7 में से -10 तो -+ यहाँ पर सीधा लिख दो आप 10 की पावर -3 लिख दो, जो मैंने यहाँ पर सीधा किया था ये रहा, ठीक है। फिर आप +3 आएगी, 10 की पावर + हो जाएगा, तो फिर इसके यहाँ सीधा कर लो कि 5 में से 3 गए -2, सीधा आप यहाँ इस स्टेप पे आ जाओ, 3 की पावर कितनी आ जाएगी, -2, इस स्टेप पे सीधा आ जाओ, देखते फिर सोल्व कर लो, तो थोड़ा प्रैक्टिस से जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, और मैं आपसे एक बार दोस्तों फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखे जाएं, क्योंकि जो नया सिलेबस चेंज हुआ था स्टेट का, मैं सारा वही करवा रहा हूँ, और अब की बार भी उम्मीद है कि इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, कि ऐसा कोई शेड्यूल नहीं आया, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है हरियाणा बोर्ड की तरफ से कि सिलेबस में कोई चेंज किया गया है, तो आप इस एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देखें, और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी लाभ हो सके और वो भी इसको देख के अपना स्टेट क्लियर कर लें, और अपने जो हरियाणा सरकार की तरफ से नौकरी निकलने जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, 19 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है, एक नए छात्र के प्रवेश लेने पर औसत भार कम होकर 24.8 किलोग्राम हो जाता है, तो नए छात्र का भार बताओ। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे और वो भी एक सेकंड में सोल्व कर सकते हैं इसको अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो, लेकिन पहले मैं आपको इसका बेस बताता हूँ कि जो औसत होता है वो सबके पास समान रूप से होता है, वो सबके पास है समान रूप से, यानी सबके पास 25 होना जरूरी है। अब एक लड़का नया आता है प्रवेश लेता है तो औसत कम होकर कितना हो जाता है, 24.8 हो जाता है, यानी 0.2 ग्राम कम हो चुका है, 0.2 कम हो चुका है। तो सोचने की बात है दोस्तों, ध्यान से देखो, 19 थे, एक नया आया कितने हो गए, अब 20 कितने हो गए, 20,
यानी सबके पास कितने होने चाहिए थे, 25 होने चाहिए, कितने होने चाहिए थे, 25 होने चाहिए थे हमारे पास। लेकिन एक के नहीं आने के बाद वो, यानी सपोज करो दोस्तों जो आएगा वो भी 25 लेके आएगा कि वो सबके पास समान रूप से होना चाहिए, तो आने वाले के पास भी क्या होना चाहिए, 25 किलोग्राम होना चाहिए। लेकिन आने के बाद सबका उस कितना हो चुका है, 24.8, यानी कितनी कमी होगी, 0.2 की। कितनी कमी होगी दोस्तों, 0.2 की इसमें कमी हो चुकी है। अब टोटल कितने, 19 पहले थे, एक और आ गया, टोटल हो गए हमारे पास कितने, 20। कितने हो गए टोटल, 20। अब एक में 0.2 कमी है तो 20 में कितने की कमी होगी, गुणा कर दो, एक में 0.2 की तो 20 में 20 दूनी 40, एक के बाद पॉइंट लगा दो आप यहां पर, यानी 4 किलोग्राम की कमी हो चुकी है। कितने किलोग्राम की, 4 किलोग्राम, यानी कम लेके आया, सीधी बात। वो तो 2500 लेके आना चाहिए था, कितना लेके आना चाहिए था, 25, 4 वो किलो कम लेके आया, तो कितना लेके आया वो, 21 किलोग्राम। दोस्तों ये इसका आंसर है, आंसर नंबर डी। तो आने वाले की आयु कितनी है, आने वाले का वजन कितना था, 21 किलोग्राम। अब मैं आपको दोस्तों सीधा बताता हूं, आपको ध्यान देना है, जो ऊपर वाली संख्या होती है 25 लिख लो आप, और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर, 0.2 का। अब इस 0.2 का कुल होगी कितने, 20, उसकी गुणा करके और इसमें से घटा दो, 0.2 की 20 की गुणा कितनी आएगी, 20 दूनी 40, यानी एक के बाद पर लगे 4 आएगा, 4 इसमें से घटा दो, कितना उत्तर आएगा दोस्तों, 21 किलोग्राम, ये इसका आंसर था। क्लियर है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने ये सारे वीडियो हमारे जो चैनल की तरफ से दिए जा रहे हैं वो देख लिए, तो मैथ का पोर्शन आपका बहुत अच्छा जाएगा। हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए 5 ऐसे वीडियो डाले जाएंगे जिनमें 50 कम से कम क्वेश्चन होंगे, और वो सारे अगर आप कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपके इसी पैटर्न के आधार पर एक भी नंबर कट नहीं किया जाएगा, आपके 30/30 होंगे, और जो 10 नंबर का अलग से मैथ आता है उसके ऊपर भी इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे, आप वो भी ध्यान से देखना। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।